संगीत सरिता संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला डागर बानी में ध्रुपद दर्शन। हमारे आमंत्रित कलाकार विख्यात ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। आपसे बातचीत की है राम कृष्ण दास ने। आज इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी आपके लिए लेकर आए हैं। पंडित जी, हमने सुना है कि ध्रुपद आलाप के बिना शुरू नहीं होता है। आलाप है क्या चीज, आप हमारे श्रोताओं को बताएं। डागर परंपरा में जैसे हम पद गाते हैं, ध्रुव पद गाते हैं, उसी तरह आलाप भी एक स्वतंत्र गायन शैली है, एक विधा है। आलाप का सीधा सीधा अर्थ है जब दो व्यक्ति मिलते हैं उनमें संवाद होता है जी, वार्तालाप होता है। क्या बात। तो राग और कलाकार का वो वार्तालाप है, और राग की भूमिका भी है, और राग की जो संवेदना है और कलाकार की जो संवेदना है, इन दोनों का संवाद, दोनों का तादात्म्य आलाप में होता है। वाह, ये पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है, हमारे पूरा जो भारतीय संगीत है वो विस्तार का है, उपज का है, कल्पना, कल्पनाशीलता जो है वो प्रकट होता है। तो हमारे अंदर जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, वो आलाप के द्वारा हम प्रकट करते हैं। पंडित जी, हमने सुना है डागरबानी के आलाप के साथ हमारे प्राचीन संगीत शास्त्र के भी बहुत संबंध है जी। तो जैसे कुछ रूपक आलाप या रूप भंजन ऐसे कुछ कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। आलाप शब्द आया है आलपती से। तो आलपती दो तरह के होते हैं। जब वो अताल होता है वो रागालाप होता है या रागालपती है। तो ध्रुपद परंपरा का जो पहला चरण है वो अताल होता है, उसमें हम धीरे धीरे राग का बर्ताव हम करते हैं, विस्तार करते हैं। दूसरे चरण में हम जब पद गा के जो विस्तार करते हैं वो भी आलाप है। अच्छा। उसको रूपक आलापति कहते हैं। रूपक का अर्थ है बंदिश पद। अच्छा। पद को भी रूपक कहते हैं, नाटक को भी हम रूपक करते हैं, जहाँ कि हम किसी वस्तु का हम वर्णन करते हैं, किसी घटना का हम वर्णन करते हैं, तो वो रूपक हो जाता है। तो पंडित जी, हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए आलाप में मुक्तालाप, जोड़, झाला, गमक आदि सब होते हैं, इसका कुछ नमूना पेश करें जी। मैं राग यमन में आलाप प्रस्तुत करूंगा, और आलाप के जो अलग अलग सिलसिला है, आलाप, जोड़, झाला, तीन चरण में इसकी प्रस्तुति होगी, और हर चरण की अपनी एक विशेषता है। और इसमें आप ये महसूस करें कि हम स्वर का श्रृंगार कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने इष्ट देवता का श्रृंगार करते हैं फूलमाला के साथ, धूप दिया के साथ, उसी भावना से हम आलाप का प्रस्तुतिकरण करते हैं। राग यमन में आलाप गा रहा हूँ। हमारे साथ ध्यानेश्वर भाई है, जो पंडित अमरनाथ मिश्र जी के परंपरा के हैं, बनारस के, बहुत कुशल पखावज वादक है। रे Nah.
यहाँ हर स्वर में एक निवेदन है, एक संवाद है, और वो संवाद चाहे देवता के साथ हो, किसी मनुष्य के साथ हो, किसी दोस्त के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, किसी भी रूप में हम इसको देख सकते हैं। रे ना रे ने रे ना रे स्वर का श्रृंगार भी है और नाद के साथ नाद ब्रह्म का साक्षात्कार भी है। दूसरा चरण जोड़ है, जिसमें हमें लय जो है, एक संतुलित लय पे हम आते हैं, लय शुरू हो जाता है। रे 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 ना रे ना ना रे ना 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 रे ना ये छंद का गाना है, ताल का नहीं। छंद का भी एक अलग आनंद है, जीवन भी छंदमय होना चाहिए, संगीत भी। रे रन 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 रन, हाँ ध्यानेश भाई चलिए। रे रन 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 रे रन 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 आनन ते तर रन रन रे रन 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 रे ना रन तारन ते तर रन रे रन रन आनन ते तर रन रन रे रन नो एक दो तीन चार। चतुर्थ मात्रिक छंद है। तारन दे तर रन आनन रि रन तारन दे तर रन 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 न रन रे रन 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 तारन ते तर रन 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 नो नो रन 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 रन
नारायण ओम नारायण नारायण तरण तारण हरि ओम नारायण नारायण हरि ओम नारायण री नारायण नन तेतर रनन री रना तारण दे तर रनन जानन न दे तर रनन रनन री नारायण Re nao ra na na re ra nao ra na na re nao ra na na re ra ra na ra na re ra 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 na na ta ra na te ta ra ra na na ra na na ra na na re ra ra na no ta ra na te ta ra ra na re ra ra nao ra na na ao na na te ta ra Rana ri rana rana no, rana ri rana no, rana na na rana na na, ti ra ra na ra na 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 ra na 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 ra na 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 ra na na ra na 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 na, ta ra 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 na ri ra 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 na ri ra ra na ra na na a na na ti ta ra ra na ri ra ra na ra na na ra na na. पंडित जी, सुंदर, अति सुंदर सुमधुर आलाप आपने किया है। संगीत सरिता के श्रोताओं को बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका बहुत आभारी हैं। श्रोताओं, आज की इस कड़ी में हमने विशेष तौर पर आलाप पर चर्चाएं की और पंडित जी ने आलाप को गाकर आपको सुनाया, और आलाप चर्चा पर ही ये कड़ी केंद्रित थी। डागर वाणी में ध्रुपद दर्शन, ये थी सातवीं कड़ी। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। आपसे बातचीत की रामकृष्ण दास ने। पखावज पर संगति कर रहे थे श्री ध्यानेश्वर देशमुख। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। I'm